जयपुर में आरटीडीसी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होटल गणगौर में हो रहा कार्यक्रम का आयोजन। अरुणाचल प्रदेश से आए दल के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अरुणाचल के विधायक निनोंग इरिंग के नेतृत्व में ये दल आया है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव कार्यक्रम में मौजूद है। इस सीधी तस्वीरें भी जरा आप देखिए। विधायक यहाँ पर मौजूद है, कई मंत्री यहाँ पर मौजूद है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद है। तो जयपुर में आरटीडीसी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होटल गणगौर में ये आयोजन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश से आए दल के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अरुणाचल के विधायक निनोंग इरिंग के नेतृत्व में ये दल यहाँ पर आया है। ऐसे में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। अब इसी कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर आपसे चाहेंगे। आईसी देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश से एक दल राजस्थान भ्रमण के ऊपर आया हुआ है। साथ करते जो कल्चर एक्सचेंज जो होता है उसको लेकर ये दल आया है यहाँ पे। जो वहाँ के जो विधायक हैं निओंग ओरंग, उनके नेतृत्व के अंदर ये यहाँ पर दल पहुंचा है। इस कार्यक्रम के अंदर, उनके सम्मान के अंदर आरटीडीसी की ओर से होटल गणगौर के अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर तमाम अरुणाचल प्रदेश से आया हुआ दल मौजूद है। धर्मेंद्र राठौर जो आरटीडीसी चेयरमैन है, उनकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन रणदीप धरखड़ भी यहां पे मौजूद हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह से एक राज्य की संस्कृति को दूसरे राज्य के लोग जाने, अरुणाचल प्रदेश एक बहुत सुदूर इलाका है और बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। वहाँ की संस्कृति से राजस्थान को वाकिफ कराना, राजस्थान की संस्कृति से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वाकिफ कराना, कहीं ना कहीं एक जो कल्चर एक्सचेंज को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया आरटीडीसी की ओर से। जब हमने धर्मेंद्र राठौड़ से इस पूरे मामले को लेकर बात की तो उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो उसी को लेकर आज अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान जोड़ने की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। इसके जरिए यहाँ से हम जो हमारी संस्कृति होगी उसका एक्सचेंज होगा, वहाँ के लोग आके राजस्थान की संस्कृति को देखेंगे, उसको अपनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोग भी भ्रमण करने के लिए अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, ताकि एक दूसरे की एक दूसरे राज्यों के अंदर जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो अलग अलग जो वहाँ के रीति रिवाज, उनको वहाँ के यहाँ के एक दूसरे राज्य के लोग पहचान सके, समझ सके। जी आयुषी, बिल्कुल जियाउद्दीन। और देखिए, कहा भी जाता है कि अगर आपको किसी भी राज्य को समझना है तो ऐसे में जरूरी है कि सबसे पहले वहाँ की संस्कृति को समझा जाए, वहाँ की कला को समझा जाए, और इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।